वेस्ट जो है वो अभी तक उस तरीके से इंडिया को क्यों स्नब नहीं कर रहा, स्पेशली ऑन द ह्यूमन राइट्स इशू, मुस्लिम्स के साथ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे जो, स्पेशली मुस्लिम्स के साथ। कश्मीर का तो मामला खैर डिफरेंट है ना, अभी खैर पिछले वीक काफ़ी हॉट भी रहा कश्मीर। तो ऐसा क्यों है वेस्ट के अंदर, ऐसी क्या रिलक्टेंस है? क्या ये चाइना फियर है? चाहे क्या ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का कोई इशू है? व्हाट इज़ द मेंटालिटी इन द वेस्ट विद रिगार्ड्स टू इंडिया? देखें जी, अगर आप इस खित्ते में देखें और अगर आप इवेंचुअली आगे देखें कि कौन सा एरिया जो है वो सेंटर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, इफ़ यू नो इट कम्स टू दैट, तो वो इंडियन ओशन बनता है। और इंडियन ओशन में सबसे बड़ा मुल्क कौन है जिसके दोनों साइड्स पे इंडियन ओशन है, वो इंडियन ओशन रिम के मेंबर भी हैं और सब कुछ। और इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें, मोरालिटी और इस चीज़ों का तो कोई नहीं होता, ये तो नेशनल इंटरेस्ट है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक़ है, तो यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये ह्यूमन राइट्स जो है ये यूरोपियंस का इशू है, बिकॉज उनको अपना एक गिल्ट है ऑफ कॉलोनाइजेशन और दिस दैट एंड दी अदर। अमेरिका तो कभी ह्यूमन राइट्स की उस तरह बात ही नहीं करता, ना उस पर कोई शोर मचाता है। तो अगर ह्यूमन राइट्स पे कोई शोर मचा सकते हैं तो वो यूरोपियंस हैं। यूरोपियंस क्यों शोर नहीं मचा सकते? क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है बाय बीइंग यू नो डेलीगेटिंग देयर मिलिट्री एंड देयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूएसए। तो जब कोई भी मुल्क इस तरह किसी मिलिट्री अलायंस में अपनी पूरी डिफेंस किसी और यू नो नेटो के अंडर दे देगा और उनके तो अपने तो आपकी सॉवरेनिटी कम हो जाती है, आपकी वॉइस भी कम हो जाती है। अब जितनी पिछले दिनों देखें लड़ाइयाँ की हैं अमेरिका ने, तो उसमें नुकसान किसका हुआ है? यूरोपियंस का। पैसा किसका लगा है? यूरोपियंस का। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है इसमें कौन सा अमरीकनों का पैसा लग रहा है? यूरोपियंस पैसा दे रहे हैं अमरीकन इक्विपमेंट खरीद के उसको वहाँ भेजने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब मैं तो 85 से देखती आ रही हूँ कि ये जैसे डिगॉल ने एक पोजीशन ली थी और नेटो से निकाल दिया था अपने आप को, कि एक डिबेट चलती आ रही है जो अब फुल सर्कल आ गई है। अब यूरोपियंस जो हैं वो भी क्वेश्चन करने लगे हैं। आपने देखा था जब क्राइमिया पे सैंक्शंस लगी, तो चाहे जर्मनी था, चाहे फ्रांस था और बाकी ये जो एक्सेप्ट द नॉर्डिक कंट्रीज़ जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सारे ममालिक को एग्रीकल्चर उनका तबाह हो गया, एनर्जी के लिए मुसीबत पड़ गई, जैसे अभी भी पड़ी हुई। तो अब उन्होंने भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि हम क्यों इस तरह अमेरिका के हर उसमें चले जाते हैं साथ। इसलिए उनका देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनका अफ़गानिस्तान पे भी है। ईरान पे आपने देखा कि यूरोपियंस का बिल्कुल अलग एक स्टांस था, पैलेस्टीनियंस का पे भी उनका स्टांस थोड़ा सा अलग है। और साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में भी, क्योंकि यूरोपियंस इन सारे रीजन्स को जानते हैं, यहाँ रहे हैं, जानते हैं, लैंड कनेक्टिविटी है, एक यू नो हिस्ट्री है जो कि अमेरिका के साथ नहीं है आपकी। तो इसलिए अमेरिका तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का तो इंटरेस्ट है कि इस वक्त किसी भी तरह जितनी भी कमिटमेंट है उसको वो इंडिया को अपने काबू में रखे। क्योंकि उसमें अब ख़ास तौर पे जब से रूस का और चीन का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर एंड इन द लॉन्ग टर्म, तो वो तो डिफेंस में भी आ जाता है, इकोनॉमिक उसमें भी आ जाता है, सोशल और सब चीज़ों में आ जाता है। और अब अभी आप देखें ये जो डी डॉलराइजेशन का वो कर रहे हैं, जब से उनको स्विफ्ट से निकाला है इन लोगों ने, अपनी करेंसीज करके वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया है। तो फिर उसके पास चॉइस क्या रह जाती है? देखें, उसके पास चॉइस ये रह जाती है कि इंडिया स्ट्रांग हो और इंडिया को वो जिस तरह भी इंटाइस करके अपने सर्कल में रख सकते हैं रखें, क्योंकि उनकी वजह से वो बाकी साउथ एशियन एक्सेप्ट पाकिस्तान बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी, चाहे वो श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अब देखिए उन पर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है, ताकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो अमेरिकन उसके इस एम्बेट से बाहर ना जाए। तो इस वक्त उनके लिए वो द फोरसीएबल फ्यूचर इंडिया ज़रूरी है। लेकिन ये बिल्कुल जानते हैं कि इंडिया चीन का कोई ट्रस्टवर्दी भी नहीं है और चीन का कोई मतलब इंडिया का कोई चीन के साथ कंपटीशन नहीं है।